हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वन मोर वीडियो फॉर यू। और ये जो टॉपिक है वो उसके ऊपर है कि अभी इतनी अच्छी रैली आई है तो क्या रैली टिकेगी कि नहीं टिकेगी। तो मेरे हिसाब से रैली टिकनी चाहिए। अभी जो बाकी रह गए आईटी सेक्टर, उसमें रैली आ सकती है और चालू भी हो गया है। ठीक है, तो कौन से स्टॉक हैं हम थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे, पूरा प्राइस ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है मेरे रडार में आया कोफोर्ज है। कोफोर्ज का जो ब्रेकआउट है वो मल्टीपल लेवल्स का ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, पहली चीज, मेरा जो पहला सपोर्ट था, मेरा नहीं चार्ट के हिसाब से 4083, वो ब्रेकआउट करने के बाद वहां से उसने 4191, मतलब आप कह सकते हो लगभग 125 रुपीज का या 120 रुपीज का ब्रेकआउट दे दिया है यहां से। अभी इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या हो सकता है, 4342, मतलब यहाँ से भी 150-200 रुपये ऊपर। तो आपको कोफोर्ज किसी हालत में मिस करना नहीं चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने क्या क्या देखा है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने ईएमए क्रॉस देखा है, सुपर ट्रेंड में भी बुलिश है, ऊपर से प्राइस एक्शन भी बुलिश है, राउंडिंग बॉटम है, डबल बॉटम है, आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा तो और क्या पॉजिटिव हो सकता है। तो पहली चीज, कोफोर्स को आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको बाय डिफॉल्ट बाय करना चाहिए। तब तक बाय करना चाहिए आपका एसएन क्या हो सकता है, आपका मिनिमम स्टॉप लॉस अगर होना है तो 4029 का स्टॉप लॉस है और आपको मिनिमम 200-300 रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, पहले हम कोफोर्स का एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा डीपली। मैंने बता तो दिया है आपको, बट आपको भी आइडिया आना चाहिए कि मैं क्या देख के बोल रहा हूँ आपको, तो आप इसको लेके बैठ सकते हो। ठीक है, तो कोफोर्स ने आरएसआई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। दूसरा उसका मेन मेरा जो लक्ष्मण रेखा है वो भी उसने क्रॉस कर दी है ऊपर की, जो मैं 60 का एक मिनिमम बेस मेरा क्रॉस करना चाहिए जो मल्टीपल ब्रेकआउट देने की एक तैयारी होती है, तो 60 को भी क्रॉस कर दिया है। तो इस हिसाब से देखे जाए तो ये आपका एक स्टॉप होना चाहिए कोफोर्स। ठीक है, अभी दूसरा स्टॉक देख रहे हैं हम लोग विप्रो। विप्रो में सेम पैटर्न है, आई लव दिस पैटर्न। ठीक है, तो विप्रो में डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, ईएमए क्रॉस पॉजिटिव, आरएसआई पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, अभी एडीएक्स भी पॉजिटिव हो गया है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर ही पॉजिटिव हो गया है विप्रो का। और एक इसको जो पुश मिला है फंडामेंटली क्या मिला है, बायबैक का, तो बायबैक के हिसाब से भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से पॉजिटिव है, ईएमए के हिसाब से पॉजिटिव है, आरएसआई के हिसाब से पॉजिटिव है। सो सारे पैरामीटर्स में एकदम फिट बैठ रहा है बाय एंड डिप्स करने के लिए। तो ये पैरामीटर्स आपको मिस नहीं करने चाहिए, भूले बिना आपको बाय कर लेना है। ठीक है, तो इसका भी चार्ट हम कुछ एनालाइज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका फ्लो हो सकता है, 394 का सबसे पहला ब्रेकआउट आएगा इसका बहुत ही कम टाइम में, तो मुझे कुछ फ्लो इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इसका फ्लो मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक बॉक्स भी बना के बता दूँ तो एक इस तरीके से आपको इसको फ्लो पकड़ना चाहिए। उसके बाद 407 रुपये मिनिमम में मिनिमम, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो आपको मिनिमम 407 रुपये के लिए प्ले करना चाहिए। मुझे तो ये कुछ इस तरीके से फ्लो दिख रहा है, तो ये राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हो, डबल बॉटम भी बोल सकते हो। और यहाँ पे एक आरएसआई जो है हमारी जो लक्ष्मण रेखा उसको इसने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, सो वीकेंड्स में ऐसे कुछ स्टॉक्स एनालाइज करो जिसको आप आगे बाय करके रह सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, बट ये सब प्रैक्टिस आपको आगे जाके अच्छा खिलाड़ी बना देगी अगर ट्रेडिंग करने बैठना है तो। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर यू शुड ऑलवेज डू, ऐसा नहीं कि दूसरों पर डिपेंड रहे, दूसरे पर कुछ ऐसा करे। ब्लेम गेम बहुत ईजी है, बट जब खुद मार्केट में उतरते हो सब सारी हवा निकल जाती है, तो बेटर है हमको ट्रेड एनालाइज करके बाय एंड डिप्स करें कि लॉन्ग रखना है कि शॉर्ट रखना, आपको आइडिया आ जाएगा। तो विप्रो का कुछ चार्ट इस तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब एक विप्रो आ गया, एक कोफोर्ज आ गया डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, एक कोफोर्ज, एक विप्रो, नाउ विल चेक अनदर स्टॉक जिसपे मुझे लग रहा है अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो एक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बट डेली टाइम फ्रेम पे अभी वीक है, बट डबल बॉटम बन चुका है। ठीक है, अगर हम इसको स्विंग खेलने का ट्राई करेंगे, एक रिस्की बेट है बट मुझे लग रहा है कि ये फट सकता है। अगर एक अब चांस लो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखो या तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये पॉजिटिव दिखेगा, बट
डेली टाइम फ्रेम पे अभी नेगेटिव, बट एक रिस्क टेकर जो है वो इसको बाय बिंदास कर सकते हैं, क्योंकि इतने नेगेटिव न्यूज में भी HCL का कुछ पत्ता हिला नहीं है। बहुत टाइम से एक रेजिस्टेंस जोन में है, बट एक रेजिस्टेंस जोन से निकलने के बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम देखो तो मुझे लग रहा है मिनिमम 1120 रुपये तक ये आ सकता है, और उसके बाद का हो 1150 रुपये इसका फ्लो हो सकता है। जो मैं ये वो दिन कोई भी एक चीज़ को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें शार्पनेस ज़्यादा अच्छी आ जाएगी, तो 1150 रुपये आप पकड़ के चल सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में, और इसका फ्लो भी कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। RSI फिलहाल अभी जस्ट इसने 50 क्रॉस नहीं किया है, बट कर देगा मुझे लग रहा है। अगर एक रिस्क टेकर हो तो आप इसमें चांस ले सकते हो, बट अगर फ्रेश बाय करना है तो आप इसको थोड़ा वेट करके बाय करना मैं कहूँगा। देखो अच्छे प्राइस पे बाय करना अच्छा होता है, बट रिस्क लिए बिना बाय करना है तो आप इसको मिनिमम 1096 तक प्ले कर सकते हो अभी, और अगर 1170 या तो 75 क्रॉस करता है उसके बाद वो बड़ा ब्रेकआउट देगा। कुछ प्राइस लो इस हिसाब से, डबल बॉटम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, RSI 50 के ऊपर निकल जाएगा शायद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या नेक्स्ट वीक में, तो आपको इसको भी बाय एंड डिप करना है। तो इसका फ्लो भी कुछ इस तरीके से है अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो। इसके बाद अभी एक सरप्राइज है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ IT स्टॉक्स के अंदर, अभी तक उसमें पॉजिटिव ड्राइवर्स आना नहीं पड़े। 3 स्टॉक IT के मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। सो UPL में आप देख सकते हो कि अभी EMI क्रॉस होने की तैयारी चल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, पर अगर डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा आपको, तो UPL को भी आप चांस लेके बाय कर सकते हो। सुपर ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है, इसका पॉजिटिव होगा 1158 के ऊपर, तो अभी चल रहा है 1148, बट अगर आपको रिस्क लेना है तो आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख के इसको भी बाय कर सकते हो। मिनिमम टारगेट इसका 769-760 हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे यहाँ पे जहाँ से उसका ब्रेक डाउन आया था, ठीक है ये रहा 769 और यहाँ पे ये 743, तो अभी जो चल रहा है इसका प्राइस मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा फ्लो इसमें मिल सकता है, तो आप इसको भी बाय करके रख सकते हो। मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके से पैटर्न ऑकर होने के बाद आप अच्छा डाइवर्जन देगा, यहाँ से जो हुक बना है वो बहुत ही पॉजिटिव बना है, तो ये पैटर्न भी है। ठीक है, तो इतने स्टॉक है बिंदास अब रैली मिस किए बिना, और एक सरप्राइज है JSW स्टील। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद के ब्रेकआउट की हम तैयारी देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी डीप आता है आप इसको किसी हिसाब से मिस नहीं कर सकते। अगर एक ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे आप यहाँ पे, और दूसरा अगर RSI अगर आपको 50 तक आता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप उसको एग्जिट मार देना। ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका फ्लो आपको मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इसका फ्लो है उस हिसाब से ये मिनिमम 678-660 इतना आ जाना चाहिए, तो आप इसको बिंदास बाय करके बैठ सकते हो। इसका फ्लो कुछ इस तरीके से हो सकता है, रिसर्च बोरिंग ही होती है, सबको फटाफट पैसे बनाने, तो मुझे लग रहा है थोड़ा भी डीप आएगा तब इसको बाय कर सकते हो। फिलहाल इसका ये प्राइस फ्लो हो सकता है तो 7, आपको इसका मिनिमम एक्सपेक्टेशन 748 और इसके बाद 770। अगर UPL का प्राइस स्ट्रक्चर देखोगे आप, क्या बोलते हैं, UPL, JSW स्टील और एक स्टॉक है हिडन जेम जो मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर आपको लंबा खेलना है तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका बहुत ही बड़ा जेम हो सकता है। ठीक है, 695 अभी जो चल रहा है लगभग। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसका 663 प्राइस चल रहा है, बट मुझे लग रहा है 691 बहुत ही जल्दी इसका प्राइस फ्लो आ जाएगा। आपको आप देख सकते हो मैं जो भी पैरामीटर्स देख रहा हूँ यहाँ पे पूरे के पूरे बैठ रहे हैं, और आपको भी ये मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये प्राइस फ्लो इसका हो सकता है यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना दो। ठीक है,
देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और एक बार नहीं मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स पे फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपको पैसे मिलेंगे। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आपको क्लियरली दिख रहा है, इसका भी फ्लो किस तरीके से हो सकता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये पूरा फ्लो कुछ इस तरीके से RSI का आ सकता है, तो ये RSI के हिसाब से पॉजिटिव है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी पॉजिटिव है, तो सारे टाइम फ्रेम पे ये आपको एक पॉजिटिव टाइम फ्रेम में दिखेगा। अगर इसको बड़ा खेलना है तो आपको इसका 727 के एक एक्सपेक्टेशन, अगर बड़ा खेलना है तो मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट्री आई है और रिजल्ट्स आए हैं फ्लो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको ये स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए किसी हिसाब से। अभी देखो JSW स्टील, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और UPL के प्राइस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और यहाँ पे और एक स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। फिर मिसिंग दिस यू आर मिसिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो इंडसइंड बैंक 1260 रुपये तक जा सकता है मिनिमम, ठीक है, एज पर प्राइस एक्शन। आप बोलोगे आप क्या देख के सब भाव बता रहे हो, तो देखो हिस्ट्री है मेरे पास जो पुरानी, उसी का प्राइस स्ट्रक्चर हर स्टॉक फॉलो करता है, उसके बाद वो ब्लू स्काई जोन में चला जाता है। तो अगर आपको इसको बड़ा खेलना है तो मुझे लग रहा है कि कुछ जस्ट अ मिनट, तो ये स्टॉक कुछ इस हिसाब से ऊपर जा सकता। अब इसमें देखो EMA क्रॉस दे दिया है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, RSI पॉजिटिव है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उसका सारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो भी कुछ देख रहा हूँ, जिसको देख के आपको बताता हूँ बाई करो सेल करो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है। और हाँ, थोड़ा इमोशन कंट्रोल में रखना ताकि प्रॉफिट अच्छा हो सके। जो भी प्राइस स्ट्रक्चर है वो देख के मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पूरा प्राइस ट्रेंड में EMA क्रॉस देख रहा हूँ, सुपर ट्रेंड देख रहा हूँ, वॉल्यूम देख रहा हूँ, RSI देख रहा हूँ, ठीक है, और सारे पैरामीटर्स में अगर मैच हो रहा है तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं चुपचाप से लेके बैठा रहूंगा जब तक मेरा पेट डाइजेस्ट नहीं होता रिटर्न को लेके, फाइन। सो ये इतने सारे स्टॉक मैंने आपको बताए, आपको जो भी स्टॉक लगते हैं या आपको ले लेने चाहिए आप बिंदास ले सकते हो। मैंने आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 स्टॉक बताए, और इसका रिटर्न अगर आप देखने जाओ तो मिनिमम में मिनिमम आपको यहाँ से रिटर्न 15 से 20% निकल सकता है ना। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और जो मैं बोल रहा हूँ, आप भी ऐसे 25-30 स्टॉक सैटरडे संडे को एनालाइज करो, हमारी जो बुक है उससे भी एनालाइज करो, ताकि आपको आइडिया आए कैसे स्टॉक सेलेक्ट करके हम अच्छा पैसा बना सकते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।